मैं सबसे मिला जाकर, पहले क्या होता था कि काम आपके घर पे आता था, अब वैसा नहीं रहा, अभी आपको काम जाके ढूंढना पड़ता है. तो आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट एंड आई स्टार्टेड मीटिंग एवरीवन. फिर जब मैं एक बार सलमान के साथ था, हम CCL एक क्रिकेट लीग खेलते हैं, तो उसने कहा ये दाढ़ी क्यों उगा रखी है, शेव कर, सबके बुरे टाइम आते हैं. मेरा भी टाइम बुरा था एक बारी, पर मैं तेरे भाई की पीठ पर चढ़ गया था और संजय दत्त की पीठ पर चढ़ गया था. तो मैंने बोला फिर मामू मुझे तेरी पीठ पर चढ़ने से, आई मीन यू नो, सो ही एंड ही वाज रियली स्वीट. ही तब से उसने कभी, ही ऑलवेज केप्ट थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग विद मी. एंड फाइनली जब फ़ोन आया मेरे मुझे तो सलमान का, मामू शेयर उतारेगा, मैंने बोला मामू मैं कुछ भी करूँगा. तो इसी तरह रेस भी शुरू हुई और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम. ये भी कहा आपने, ये भी कहा कि सलमान अगर फ्री होंगे तो वो भी शिरकत करेंगे आपके बर्थडे में, तो बताइए कि क्या बात हुई. मामू मेरा मतलब बड़े भाई जैसा है, उसने हमेशा मतलब मेरी फैमिली के साथ उसके अटैचमेंट्स हैं एंड डेफिनेटली ही डेफिनेटली वॉन्ट विल बी हेयर टू विश मी. और मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसके जैसा इंसान मैं इस इंडस्ट्री में ऐसे है नहीं, वो एक ही है, एक मेरा मामू, मेरा दोस्त, मेरा भाई. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इतने ये दो तीन सालों में मैं आई हैव गॉट टू नो हिम मोर एंड इट बी रियली नाइस टू हैव हिम एट होम. इतने सालों में अगर हम लोग देखें 50 सालों में, कौन सी चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपको इंस्पायर करती है लगातार आगे बढ़ने के लिए? मेरे पापा, आई मीन उनके जैसे मुझे, उनके जैसा कोई है ही नहीं इंसान इस दुनिया में. ये नहीं कि वो मेरे पापा है, लेकिन पूरी दुनिया यही कहती है. और ही इज़ माई बिगेस्ट इंस्परेशन एंड मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ. और पापा भी बहुत खुश होते हैं मुझे भी देख कर कि तूने इतनी मेहनत की है, और हमेशा बस कहते रहते हैं अभी तेरी चाल भी बदल गई है. तो एकदम सॉलिड लग रहा है. मैं बोला हाँ जी पापा. भैया भी, भैया ऑल्सो उनकी बैक की कितनी प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन वो कभी मेहनत से हटते नहीं हैं. एंड ये सब चीज़ें मैंने, मेरे घर में थी, मैंने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया कि इतने लोग हैं जो इतना हार्ड वर्क करते हैं, गिव अप नहीं करते. सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड आई पुश माय सेल्फ हार्डर एंड वेरी ब्लेस्ड टू बी देयर सन एंड ब्रदर. सलमान इज रियली गोइंग टू प्रोड्यूस अ फिल्म फॉर यू, स्टारिंग यू इन द लीड. सी सलमान इज एन एंजल इन माय लाइफ. ओके, ही इज द मोस्ट ऑसम ह्यूमन बीइंग आई हैव एवर मेट फ्रॉम माय इंडस्ट्री एंड नो वन डज सो मच फॉर एनीवन. And not that he's doing me a favor, he's doing it because he sees the fire in me and he wants me to be the best again. And that's it. You know, I like the fact that everyone is there. Bobby, I have to say, what kind of shape is this man? A round of applause for how Bobby Deol is looking. What a comeback! Not Bobby Deol anymore, Body Deol. But he is Bobby the Body Bomb. I like that. And he's trying to hide his popping out as well for the audience. I cannot leave you. The wait was worth looking at you like this. And I'm so happy to see this. I think you've resurrected your own career. You know, and it's great to see you back in action. Please don't ever run away again or don't ever leave like the mainstream, because I think you deserve to be here and we all always wanted to be here. So, good to see you back, Bobby. No, I'm just very... I mean, what do I say? Mamu is my angel. Okay. He is someone who has believed in me and he caught me at the right time when I was getting more focused in life. And I was looking after myself. And it's always, you know, you can... Kabhi bhi kaam mil sakta hai. So I was trying to prepare myself for that. And next thing I know, Mamu calls. Mamu, shirt utarega. How cute. I said, main kuch bhi karunga. So I'm so happy to be here, to see myself in 3D. I mean, that was always a dream to be a part of a 3D film. And especially Race. And working with Ramesh ji again. Working with Anil for the first time. Yeah. And I've seen him as a kid myself. And then with Jacqueline and Daisy and Freddie and Munna. I call him Munna, Saqib. We used to play cricket together in CCL. So, tab se isko Munna bula raha hu. Mujhe pata chala ki iska naam Munna tha hi nahi pet name. Ye aapne hi rakha hai. Chal, theek hai, maine rakha hai. So, I'm so happy just to be a part of Race. And glad that there's such a crowd. I've never seen so many people out here before. That's why I said it's an event. With Salman sir, it's always an event.